आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि योगी सरकार 2.0 मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम पद की दोबारा शपथ ली उन्होंने। अजय से बने योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया इन्होंने। 2017 में यूपी की कमान संभाली। गोरक्षपीठ से लगाव बरकरार रहा है। सबसे युवा सांसद भी गोरखपुर से चुन करके गए थे। दूसरी बार अनिल राजभर ने मंत्री पद का शपथ लिया। आज चंदौली से पंचायत सदस्य बने ये। 2017 में शिवपुर सीट से यह चुनाव जीते। तो राज्य आयोग के सलाहकार चुने गए थे। 2017 में स्वतंत्र प्रभार से राज्य मंत्री बने थे अनिल राजभर। इन्होंने भी योगी सरकार 2.0 में शपथ लिया। मंत्रिमंडल में शामिल हुए अनिल राजभर चंदौली से पंचायत सदस्य बने ये। केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार भी डिप्टी सीएम के रूप में चुने गए हैं। कौशाम्बी में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन्होंने दामन थामा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्य भी बने। 2012-2014 में लोकसभा इन्होंने जीता। 2017 में सूबे के डिप्टी सीएम बने और एक बार फिर योगी सरकार 2.0 में यह डिप्टी सीएम है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम चुने गए हैं। पिछली बार यह कानून मंत्री थे। 1990 में बने लखनऊ विवि छात्र संघ के अध्यक्ष। वहीं 2002 में कांग्रेस के टिकट पर यह चुनाव लड़े थे। 2004 में इन्होंने बसपा का दामन थामा था। 2017 में भाजपा की टिकट पर यह चुनाव लड़े थे। 2017 में पहली बार विधानसभा पहुंचे ब्रजेश पाठक। 2022 में डिप्टी सीएम के लिए चुने गए हैं। कोरोना काल में इन्होंने लोगों की खासा मदद भी की थी। योगी सरकार 2.0 में स्वतंत्र देव सिंह ने भी शपथ लिया है मंत्री पद का। छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय हैं स्वतंत्र देव सिंह। 1994 में बुंदेलखंड युवा मोर्चा के प्रभारी भी रहे हैं। 2004 में विधान परिषद सदस्य चुने गए। 2004-2017 में तीन बार महामंत्री एक बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं स्वतंत्र देव सिंह। योगी सरकार 2.0 में असीम अरुण भी शामिल है। नए चेहरे हैं ये जिन्होंने मंत्री मंडल का शपथ लिया। मंत्रिमंडल में शामिल हुए 1994 बैच के आईपीएस रहे हैं असीम अरुण। कन्नौज सीट से विधायक का चुनाव इन्होंने जीता है। सपा के अनिल दोहरे को इन्होंने हराया। वहीं यूपी एटीएस के भी चीफ रहे हैं असीम अरुण। अरविंद शर्मा 1988 बैच के गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी हैं। मोदी के साथ सीएमओ पीएमओ में इन्होंने काम किया है। 2014 में पीएमओ में इन्होंने संयुक्त सचिव का पद संभाला था। वीआरएस लेने के बाद राजनीति में इन्होंने कदम रखा है। अरविंद शर्मा ने भी योगी सरकार 2.0 में जगह बनाई है। इन्होंने भी मंत्री पद का शपथ लिया है। बलदेव सिंह औलख रामपुर से दो बार जिला अध्यक्ष बने हैं। दो बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। 2017 में मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिली थी। वहीं योगी मंत्रिमंडल में एक बार फिर एकमात्र सिख चेहरा बलदेव सिंह औलख बने हैं। योगी सरकार 2.0 में एक बेबी रानी मौर्य 1990 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। 1995 में यह आगरा की मेयर बनी। 2002 राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनी। 2018 में उत्तराखंड की सातवीं राज्यपाल नियुक्त की गई। वहीं
आनंदीबेन पटेल ने इन्हें शपथ दिलाया, जो राज्यपाल ने इन्हें शपथ दिलाया योगी सरकार 2.0 में। भूपेंद्र चौधरी भी हैं, 1991 में भाजपा के सदस्य बने, 1998 में भाजपा जिला अध्यक्ष बने, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ यह चुनाव लड़े थे। भूपेंद्र पहले व्यक्ति हैं जो बिना चुनाव लड़े MLC बने। 2017 में पंचायती राज मंत्री भी थे भूपेंद्र चौधरी, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे। योगी सरकार 2.0 में धर्मवीर प्रजापति भी शामिल हैं। भाजपा में राजनीति सफर की इन्होंने शुरुआत की 2002 में। प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में महामंत्री रहे हैं। 2019 में उन्हें माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद से लगातार इन्होंने जो क्षेत्रीय कारोबार है उसको बढ़ावा दिया। बात करें धर्मपाल सिंह की, योगी सरकार 2.0 में भाजपा से शुरू किया राजनीति का सफर धर्मपाल सिंह ने। प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बने। कल्याण सिंह सरकार में सिंचाई मंत्री रहे। 2017 में आंवला सीट से यह चुनाव जीते थे। योगी सरकार 2.0 दिनेश प्रताप सिंह दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे। रायबरेली जिले के कद्दावर नेता हैं। रायबरेली जिले के MLC बने, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री चुने गए हैं दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार 2.0 में। दयाशंकर सिंह RSS के छात्र विंग ABVP के सदस्य रहे। 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव बने। 2007 में भाजपा में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने। 2015 में यूपी BJP के उपाध्यक्ष बने। दयाशंकर सिंह बलिया से चुनाव जीत करके आए हैं, काफी चर्चा में दयाशंकर सिंह का भी नाम रहा है। योगी सरकार 2.0 में गिरीश चंद यादव को भी जगह मिली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने राजनीति में कदम रखा। शहरी नियोजन व आवास राज्य मंत्री रहे हैं। 2005 में जिला पंचायत सदस्य चुने गए। 2017 में पहली बार जौनपुर सदर से यह चुनाव लड़े थे। इन्हें भी जगह मिली है योगी सरकार 2.0 में। गुलाब देवी 1991 में पहली बार भाजपा की टिकट पर यह चुनाव जीती थी। महिला कल्याण बाल विकास मंत्री बनी। चंदौसी से चार बार विधायक बनी। 2017 में योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली और एक बार फिर से गुलाब देवी को योगी सरकार 2.0 में जगह मिल चुकी है। योगी सरकार 2.0 में JPS राठौर भी शामिल है। BHU के अध्यक्ष रह चुके हैं। UP BJP के प्रदेश महामंत्री रहे हैं। 2022 के चुनावी प्रबंधन के यूपी इंचार्ज रहे हैं JPS राठौर। इन्हें भी योगी सरकार 2.0 में जगह मिली है। जितिन प्रसाद 2004 में लोकसभा का चुनाव जीता। शाहजहांपुर में पहली बार यह चुनाव जीते थे। संप्रंग सरकार में इस्पात राज्य मंत्री बनाए गए। बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में इन्होंने पहचान बनाई है। वहीं जितिन प्रसाद को भी योगी सरकार 2.0 में जगह मिल चुकी है। कपिल देव अग्रवाल को भी योगी सरकार 2.0 में जगह मिली है। ABVP से राजनीति की इन्होंने शुरुआत की। 2002 में BJP से इन्हें टिकट मिला। मुजफ्फरनगर सीट से विधायक हैं। दो बार इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं कपिल देव अग्रवाल। इन्हें भी योगी सरकार 2.0 में जगह मिल चुकी है। लक्ष्मी नारायण चौधरी 1985 में शुरू किया था सियासी सफर। 1996 में कांग्रेस की सीट पर पहुंचे विधानसभा। 2007 में मायावती सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बने थे। वहीं नरेंद्र कश्यप योगी सरकार 2.0 में इन्हें भी जगह मिल चुकी है। RSS के छात्र विंग ABVP के सदस्य रहे। 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव बने। 2007 में भाजपा में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने। 2015 में UP BJP के उपाध्यक्ष बने। इन्हें भी अब जगह मिल चुकी है योगी सरकार 2.0 में। सतीश शर्मा भाजपा से राजनीति करियर की शुरुआत 2010-2015 में बने पंचायत सदस्य। दो दो मंत्रियों को हराने का बनाया रिकॉर्ड। बाराबंकी की दरियाबाद सीट से इन्होंने चुनाव जीता था। इन्हें अब योगी सरकार 2.0 में जगह मिल चुकी है सतीश शर्मा को। सूर्य प्रताप शाही 1996 से 2000 तक विधान
विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। दो बार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 1991 में प्रदेश के गृह मंत्री, 1992 में बने स्वास्थ्य मंत्री, कई राज्यों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं सूर्य प्रताप शाही। इन्हें एक बार फिर से योगी सरकार 2.0 के कैबिनेट में जगह मिली है। यह कुछ अहम चेहरे रहे और उनका यह कार्यकाल रहा जिन्हें एक बार फिर से योगी सरकार 2.0 में जगह मिल चुकी है। ये अपनी जगह बना चुके हैं। कई पुराने चेहरे तो कई नए चेहरे भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। वहीं अगर बात किया जाए महिलाओं की, तो इस बार महिलाओं की भागीदारी कम देखने को मिली, लेकिन कुछ इस तरह से रहा योगी सरकार 2.0 का मंत्रिमंडल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ बाल पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।